Hello friends, viewers, welcome to your own YouTube channel Vigyanada. I'm Savita, back with some more new words of English vocab. जैसा कि आपको पता है, प्रीवियस वीडियो में हम बहुत सारे वर्ड्स कर चुके हैं और आज उसी सीरीज को हम जो है आगे बढ़ाएंगे आपके लिए. वीडियो देखने वालों से मैं कहना चाहूँगी दैट यू हैव टू वॉच द वीडियो टिल द एंड, बिकॉज प्रीवियस वीडियो के क्वेश्चन का आंसर मैं आज आपको दूंगी और आपसे पूछूंगी फिर से एक नया सवाल. सो विदाउट डिलेइंग लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज वीडियो एंड हियर गोज आवर फर्स्ट वर्ड. पहला जो हमारा आज का वर्ड है दैट इज पेडल, सॉरी ट्विडल. ट्विडल का मतलब होता है घुमाना. ट्विडलिंग इज बेसिकली यूज फॉर फिंगर्स. जैसे फिंगर्स को हम इस तरह से घुमाते हैं, दिस इज कॉल्ड एज ट्विडलिंग ऑफ फिंगर्स. तो मैंने जो इसको रिलेट किया है वो किया है पेडल वर्ड से. पेडल जो बाइसिकल के नॉर्मली होते हैं, जिसको आप इस तरह से पैरों से घुमाते हो तो आपकी साइकिल चलती है, क्योंकि पेडल भी घुमाए जाते हैं एंड फिंगर्स भी इस तरह से घुमाए जाते हैं. तो मैंने इसको पेडल से रिलेट कर दिया है. और पेडल और ट्विडल, पेडल ट्विडल, दोनों की साउंड जो है बिल्कुल सिमिलर है, तो आपको ये वर्ड बहुत इजीली ध्यान रहेगा, घुमाना. नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है प्रूडेंट. प्रूडेंट का मतलब होता है बुद्धिमान, इंटेलिजेंट. प्रूडेंट की साउंड जो है बिल्कुल सिमिलर है स्टूडेंट से. स्टूडेंट बहुत कॉमन वर्ड है, आप इसको याद रख सकते हैं कि स्टूडेंट इज प्रूडेंट. स्टूडेंट जो है बहुत ही बुद्धिमान है. मुझे ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, दैट इज क्वाइट ईजी वर्ड. नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है मेटिकुलस. मेटिकुलस का मतलब होता है सावधान. मेटिकुलस का मतलब होता है सावधान. तो मैंने जो इसकी क्रैकिंग की हुआ है मिट्टी का कलश. मिट्टी का कलश मेटिकुलस. मिट्टी का कलश मेटिकुलस. ये हिंदी का जो मैं क्रैकिंग बोल रही हूँ इससे बिल्कुल आप सीधे डायरेक्ट रूट वर्ड पे जा रहे हैं, मेटिकुलस पे. तो जो मिट्टी का कलश होता है, घड़ा होता है, अर्दन पोर्ट होता है, वो बहुत ही डेलिकेट होता है. हल्की सी भी चोट उसको लगती है तो वो टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा. इसीलिए मैंने इसको रिलेट किया है ऐसे कि मिट्टी का जो कलश होता है उसको बहुत केयरफुली हैंडल करना चाहिए, सावधानी से हैंडल करना चाहिए, जो कि मेटिकुलस का मीनिंग बनता है. नेक्स्ट हमारा जो वर्ड रहेगा दैट इज आउटसेट. आउटसेट का मतलब होता है किसी काम को शुरू करना. जैसे कि आपने मूवीज के लिए देखा है जनरली आउटडोर सेट लगाए जाते हैं, मतलब कि फिल्म सिटी से बाहर सेट लगाए जाते हैं शूटिंग के लिए. तो उसी तरह मैंने इसको कट कर दिया, ब्रेक कर दिया है. आउट प्लस सेट. आउट मतलब बाहर, सेट मतलब जो कि फिल्म का सेट लगाया जाता है, कि बाहर जो है मूवी का आउट, मूवी का जो सेट है वो बाहर लगा दिया गया है, फिर उसका काम बाहर शुरू कर दिया गया है. आउटसेट मींस शुरू करना. नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है रिटॉर्ट. रिटॉर्ट का मतलब होता है तुरंत जवाब देना किसी भी चीज़ का, यानी कि जिसको आप कई बार हिंदी में बोलते हो तपाक से उत्तर देना, बिल्कुल एकदम से रिप्लाई कर देना किसी भी चीज़ का. रिजॉर्ट से मैंने इसको रिटॉर्ट वर्ड को रिलेट किया है. रिजॉर्ट जनरली होटल्स की तरह ही होते हैं जहाँ पर आप नाइट स्टे कर सकते हो. तो रिजॉर्ट और रिटॉर्ट की जो साउंड है वो बिल्कुल सेम है, बिल्कुल. तो जैसे ही रिजॉर्ट बनने की बात आई तो एकदम से रिप्लाई मिला, रिटॉर्ट रिप्लाई मिला. ओके, तो रिसॉर्ट रिटॉर्ट. रिजॉर्ट बनने की बात पे रिटॉर्ट रिप्लाई हुआ, एकदम से रिप्लाई हुआ. नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है दैट इज क्रिप्टिक. क्रिप्टिक का मतलब होता है गुप्त रूप से. तो इसका मैं जो है सिनोनिम आपको प्रीवियस वीडियो में करा चुकी हूँ, जो कि आप मुझे रिप्लाई करके बताएंगे कमेंट बॉक्स में. तो देखिए लिपस्टिक क्रिप्टिक, लिपस्टिक क्रिप्टिक, बिल्कुल सेम साउंड है दोनों की. जनरली आपने देखा होगा जो छोटी लड़कियाँ होती हैं वो अपनी मदर की जो लिपस्टिक है पीछे से, जब उनकी मदर नहीं होती है, मिरर के सामने खड़े होकर लगाती हैं हमेशा पीछे से, यानी गुप्त रूप से, हिडन रूप से लगाती हैं उस चीज़ को ना. तो इसीलिए मैंने इसको रिलेट किया है लिपस्टिक क्रिप्टिक, कि गर्ल्स पुट देयर मदर्स लिपस्टिक बाय मीन्स ऑफ क्रिप्टिक, कि मतलब वो उनको क्रिप्टिक तरीके से लगाती हैं, छुपके लगाती हैं. नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है दैट इज एग्रावेट. एग्रावेट का मतलब होता है स्थिति खराब होना, किसी भी चीज़ की स्थिति सिचुएशन जो है खराब होना, क्रूशल होना, क्रिटिकल होना. इसको जो मैंने कट किया है, ब्रेक किया है, वो किया आगरा प्लस वेट. आगरा प्लस वेट बिल्कुल सीधा जाएगा एग्रावेट. आगरा प्लस वेट एग्रावेट, कि मान ले आगरा जो सिटी है वहाँ पे जो सिचुएशन जो है वो काफ़ी ख़राब है. यू विल हैव टू वेट टू विजिट दैट सिटी. आपको उस सिटी में जाने के लिए वेट करना पड़ेगा कि वहाँ पे जो सिचुएशन है वो बहुत ख़राब है. एज इन इंडिया इट इज़ गोइंग ऑन बिकॉज ऑफ कोरोना. COVID-19 की वजह से जो इंडिया में सिचुएशन है, जिसकी वजह से हमें 21 days का लॉकडाउन मिला है. सो मैं आप सभी को बोलना चाहूँगी कि स्टे एट योर होम ओनली, बाहर नहीं जाना है आपको. यूज़ योर सैनिटाइजर्स, ठीक है, अपने फैमिली के लिए, खुद की सेफ्टी के लिए और पूरे नेशन की सेफ्टी के लिए घर पे ही रहिए. प्लीज़ 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 स्टे एट होम. नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है दैट इज़ और इसका जो सेंटेंस हम कोरोना से रिलेट कर सकते हैं, जो कि हमारा बिल्कुल लेटेस्ट करंट अभी टॉपिक चल रहा है इंडिया में, कि बिकॉज ऑफ कोरोना इन इंडिया द सिचुएशन इज एग्रावेट. कोरोना की वजह से इंडिया में जो स्थिति है वो बहुत ही एग्रावेट हो रही है.
नेक्स्ट हमारा वर्ड है अटायर. अटायर का मतलब होता है कपड़े, जो हम कपड़े पहनते हैं, दे आर कॉल्ड एज अटायर. वैसे हम इनको क्लोथ्स भी बोलते हैं, बट एक अच्छा प्रोफेशनल वर्ड है इसका अटायर. अटायर की जो साउंड है वो बिल्कुल सेम जा रही है टायर वर्ड. टायर जो व्हीकल्स के जनरली होते हैं, सपोज कोई शॉप है आप वहाँ पे जाते हैं तो आप उनसे पूछेंगे यहाँ पे अटायर मिलते हैं या टायर मिलते हैं, तो द पर्सन विल रिप्लाई यहाँ पे टायर नहीं अटायर मिलते हैं. यहाँ पे टायर नहीं मिलते, अटायर मिलते हैं, कपड़े मिलते हैं. नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है लीप. लीप का मतलब होता है उछलना. लीप को जो मैंने रिलेट किया है बहुत सिंपल से वर्ड के साथ किया, जो कि आप सभी को पता भी है, लीप ईयर. लीप ईयर मतलब जिसमें 365 के बजाय 366 डेज होते हैं. फैब इज ऑफ 29 डेज. तो जैसे ही बच्चों ने लीप ईयर के बारे में सुना, दे स्टार्टेड जंपिंग बिकॉज ऑफ हैप्पीनेस. खुशी की वजह से वो उछलने लगे कि दैट दे गॉट वन मोर एक्स्ट्रा डे. उनको एक और दिन एक्स्ट्रा मिल गया, लीप ईयर मिल गया. नेक्स्ट हमारा वर्ड है कंटेम्पलेट. कंटेम्पलेट का मतलब होता है विचार करना, टू थिंक. इसके लिए हमने प्रीवियस वीडियो में कई सारे वर्ड किए हैं, वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताएंगे जल्दी से. तो मैंने जो इसकी क्रैकिंग दी है, कौन टेम्पल में प्लेट, कौन टेम्पल में प्लेट कंटेम्पलेट. बिल्कुल सीधा ये क्रैकिंग जो है रूट वर्ड की तरफ जा रही है कि कौन है जो टेम्पल में प्लेट बटवाने के लिए विचार कर रहा है. हर किसी की हैबिट होती है, एज दीज डेज नवरात्रीज आर गोइंग ऑन, तो नवरात्रीज में जैसे हम छोटी लड़कियों को घर पे खाना खिलाते हैं, साथ में उनको कुछ ना कुछ बांटते भी हैं, प्लेट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा. इसी तरह से उन्होंने ऐसे ही मंदिर में कोई सिचुएशन चल रही है कि कौन है जो टेम्पल में प्लेट बटवाने के लिए विचार कर रहा है. नेक्स्ट हमारा जो वर्ड रहेगा दैट इज बुरिश. बुरिश का मतलब होता है असभ्य, जिन लोगों को मैनर्स नहीं होते, अनमैनर्ड जो लोग होते हैं उनके लिए ये वर्ड जनरली यूज़ किया जाता है. तो मैंने जो इसकी क्रैकिंग दी है वो है बुरी प्लस रिश्वत. एज यू ऑल नो कि बुरे लोग ही रिश्वत लेते हैं, बुरे लोग ही रिश्वत लेते हैं. तो इसी तरह से मैंने इसको रिलेट कर दिया है, बुरी प्लस रिश्वत बिल्कुल सीधा जाएगा बुरिश की तरफ. जैसे ही आप ये दो हिंदी के वर्ड सुनेंगे तो आपको बुरिश रूट वर्ड जो है वो ध्यान में रहेगा. तो बुरिश का मतलब होता है असभ्य अनमैनर्ड पीपल. विट्रियल हमारा नेक्स्ट वर्ड है. विट्रियल का मतलब होता है अपशब्द कहना, बुरे शब्द कहना. तो जो मैंने इसकी क्रैकिंग दी है वो वेटर प्लस रियल वर्ड से दी है. वेटर प्लस रियल. वेटर वो लोग होते हैं जो होटल्स में आपको खाना वगैरह सर्व करते हैं. रियल मतलब वास्तव में, क्या सच्चाई में. तो इसका जो हम सेंटेंस बना सकते हैं कि क्या वेटर ने रियल में अपशब्द कहे थे. वेटर प्लस रियल, वेट रियल. बिल्कुल सीधा जा रहा है इस वर्ड की तरफ. नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है दैट इज जेस्ट. जेस्ट का मतलब होता है उत्साह. जो मैंने इसको रिलेट कर दिया हिंदी इंग्लिश के एक बिल्कुल कॉमन से वर्ड के साथ, दैट इज जस्ट. जस्ट का मतलब होता है सिर्फ, ओनली. कि अगर हम इसको बोल सकते हैं जस्ट, जेस्ट इज मिसिंग. जस्ट, जेस्ट इज मिसिंग. सिर्फ जो है उत्साह की कमी है. बहुत आसानी से आपको याद रह जाएगा ये वर्ड. नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है दैट इज प्रिस्क्रिप्शन. प्रिस्क्रिप्शन का मतलब होता है सुझाव. इसको जो मैंने क्रैक किया है दैट इज प्रेस प्लस करप्शन. प्रेस आपको पता है प्रेस प्रिंटिंग होती है, जहाँ पे न्यूज़पेपर्स वगैरह प्रिंट होते हैं. करप्शन ऑब्वियसली यू ऑल नो सभी डिपार्टमेंट्स में हैं, बट दीज डेज इट इज गोइंग ऑन लोअर. कि प्रेस से करप्शन मिटाने के लिए सुझाव मांगे गए. प्रेस प्लस करप्शन प्रिस्क्रिप्शन. प्रेस प्लस करप्शन प्रिस्क्रिप्शन. प्रेस से जो है करप्शन को मिटाने के लिए सुझाव मांगे गए. नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है दैट इज डेस्पिकेबल. डेस्पिकेबल का मतलब होता है घृणित या घिनौना, या फिर वो चीज़ दैट इज नॉट टू बी वॉच, जिसको नहीं देखना चाहिए, या फिर जो देखने लायक नहीं होती है. तो मैंने जो इसको रिलेट कर दिया है वो किया है देश प्लस केबल. केबल सभी के घरों में आता है. तो कई बार केबल पे जो है इस तरह के कुछ कंटेंट आ जाते हैं जो बच्चों को नहीं दिखाने चाहिए, और या फिर बच्चों को क्या किसी को भी नहीं देखने चाहिए. तो देश के केबल जो है कभी कभी घृणित या घिनौने प्रोग्राम दिखाते हैं, डेस्पिकेबल प्रोग्राम दिखाते हैं. देश प्लस केबल डेस्पिकेबल. रिटेन हमारा नेक्स्ट वर्ड है. रिटेन का मतलब होता है रोकना. इससे रिलेटेड वर्ड्स भी हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं, जो कि हैं स्कॉच, डिसुएड, एम्बार्गो, बाल्क. स्कॉच बटर स्कॉच खाने से रोकना चाहिए, दी को सुसाइड करने से रोकना चाहिए, एम्बार्गो बार में जाने से रोकना चाहिए, एंड बालक को कभी नहीं रोकना चाहिए. इस तरह के वर्ड्स हम कर चुके हैं. सो रिटेन इज द सिनोनिम ऑफ दीज वर्ड्स एज वेल. तो इसको जो मैंने क्रैक किया है दैट इज री प्लस ट्रेन. की ट्रेन को जो है दोबारा से रोकना होगा. री प्लस ट्रेन रिटेन. ट्रेन को जो है दोबारा से रोकना होगा. नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है दैट इज रिजोल्यूट. रिजोल्यूट का मतलब होता है दृढ़ निश्चय.
दृढ़ निश्चय या फिल्म डिस्ट्रिमिनेशन कि हम किसी चीज़ का बिल्कुल संकल्प कर ले कि ये चीज़ तो हम करेंगे ही करेंगे, जैसे कि अभी हमने किया हुआ है 21 डेज का लॉकडाउन कि हमें बिल्कुल भी अपने घर से बाहर नहीं निकलना है अगर हमें कोरोना को COVID-19 को डिफीट करना है। तो जो मैंने इसकी क्रैकिंग की है दैट इज रोज प्लस सल्यूट, सल्यूट जो आप इस तरह से करते हो दैट इज सल्यूट। तो आपने सपोज आपका जो कोई रोल मॉडल है, आप किसी को भी आप करना रोल मॉडल मानते हो, आप उसकी तरह बनना चाहते हो, तो एज यू डेली वेक्स अप इन द मॉर्निंग कि आप सबसे पहले उठते ही जो है उसको सल्यूट करेंगे, रोज सल्यूट करेंगे अपने रोल मॉडल को। रोज प्लस सल्यूट रेजोल्यूट करने का आपने दृढ़ निश्चय किया है। नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है दैट इज रेशनल। रेशनल का मतलब होता है समझदार। समझदार से रिलेटेड वर्ड भी मैं आपको पहले करा चुकी हूँ प्रीवियस वीडियो में, जो कि आप मुझे बताएंगे। देखिए रेशनल को जो मैंने रिलेट किया है राशन से, राशन जो आपके घरों में सब किचन वगैरह में जो सारा मटेरियल यूज़ होता है वही होता है, और जो आप मार्केट से लेके आते हो ग्रॉसरी शॉप से, राशन की जो शॉप होती है उससे आप लेके आते हो, तो मैंने उसी राशन से इसको रिलेट किया है कि जो राशन बेचने वाले होते हैं, राशन की जो किराने की जो शॉप होती है, सभी को पता बहुत सारा मटेरियल होता है, वो लोग बहुत समझदारी से अपने सामान को हैंडल करते हैं कि इतनी सारी मटेरियल है उनके पास, दे हैव टू बी वेरी केयरफुल, बहुत अच्छे तरीके से बहुत इंटेलिजेंट मेथड से उनको सारा सामान रखना होता है और उसका टेक केयर करना होता है। तो राशन को जो मैंने रिलेट किया है रेशनल से कर दिया है कि राशन बेचने वाले जो होते हैं रेशनल होते हैं, समझदार होते हैं। तो देखिए इसका एक सिनोनिम और निकल के आ रहा है जो हमने आज के ही वीडियो में किया है। रेशनल का एक और सिनोनिम है बुद्धिमान, प्रूडेंट, जो हमने रिलेट किया है स्टूडेंट से। प्रूडेंट एंड रेशनल आर सिनोनिम्स ऑफ ईच अदर। नेक्स्ट हमारा वर्ड जो है दैट इज टिडिंग्स। टिडिंग्स का मतलब होता है समाचार। जी हाँ, समाचार के लिए आप सिर्फ एक ही वर्ड अभी तक आपने सुना है, शायद न्यूज़ जो आप कहते हैं कि न्यूज़, तो उसको हम टिडिंग्स भी बोलते हैं। मैंने जो इसकी क्रैकिंग की है वो की है टाइड प्लस विंग्स। तो देखिए टाइड जो है डिटर्जेंट है जिससे आप अपने कपड़े वॉश करते हो, और विंग्स भी आप मान सकते हो कोई आर्टिफिशियल विंग्स हैं। तो टाइड एंड विंग्स कोई दो अलग अलग ब्रांड्स की चीज़ें हैं, डिटर्जेंट हो गया और विंग्स हो गया आर्टिफिशियल, कि वो जो हैं अकॉर्डिंग टू टिडिंग्स, टाइड एंड विंग्स अकॉर्डिंग टू टिडिंग्स, समाचार के अकॉर्डिंग जो वो है बेस्ट हैं टाइड प्लस विंग्स, टिडिंग्स आपको ध्यान रहेगा इससे। ये लास्ट वर्ड है जो हमारा आज की वीडियो का दैट इज टेंट। टेंट को जो मैंने रिलेट कर दिया टेंट से, टेंट आप सभी ने सुना है कि शादी वगैरह में जो आप अपने घर पर लगाते हैं, टेंट जो बोलते हैं ना, कपड़े का जो ऊपर से लगाया जाता है वो होता है टेंट। तो इसका मतलब होता है कलंक, हिंदी में जिसका मीनिंग बनता है कलंक। कलंक के लिए हम प्रीवियस वीडियो में एक वर्ड कर चुके हैं जो कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके प्लीज़ बताइए। तो टेंट वाले ने टेंट कर दिया कि मतलब टेंट वाले ने काम अच्छा नहीं किया, इसकी वजह से सब पे कलंक लग गया। टेंट वाले ने सब पे टेंट लगवा दिया, कलंक लगवा दिया। सो दीज आर द 20 वर्ड्स फॉर टुडेज वीडियो फ्रेंड्स। अभी मैं बता रही हूँ आपको, प्रीवियस वीडियो में हमने प्रीवियस वीडियो में आपसे पूछा था रोकना और लालची के लिए आपको जो है वर्ड्स बताने, जो कि मैं करवा चुकी हूँ आपको। तो ये वर्ड्स कॉज डिसवेड एम्बार्गो बाल के मैं पहले ही डिस्कस कर चुकी हूँ, एंड लालची के लिए मैंने आपसे पूछा था, तो इसके वर्ड्स बनते हैं थर्फ्टी एंड कविटियस। बहुत सारे बच्चों ने हमें सही आंसर किया है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल द स्टूडेंट्स जिन्होंने सही रिप्लाई किया है। और आज के वीडियो के लिए जो हमारे क्वेश्चन रहेंगे दैट विल बी गुप्त रूप से कलंक, बुद्धिमान और विचार करना, इन सब वर्ड्स के आप मुझे सिनोनिम बताएंगे इंग्लिश में, और उनकी क्रैकिंग भी बताएंगे जो कि प्रीवियस वीडियो में आप कर चुके हैं। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको देखी हुई चीज़ को ही दोबारा रिवाइज करके मुझे रिप्लाई करना है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है तो आप लाइक इसको ज़रूर करेंगे, हमारे चैनल विज्ञान अड्डा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और स्टे ट्यून्ड विद अस एंड कीप वॉचिंग अस वीडियोज़। थैंक यू।